संजय कुमार जी, फाउंडर एंड चीफ पैट्रन ऑफ जेएनके नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बहुत ही स्वागत है आपका संजय जी। रैना साहब ने एक बात जो रखी यहाँ पर वो ये है कि बीजेपी अपने दम पर और लोगों के समर्थन के साथ से काफी हाई ऐसा कहते भी हैं, पार्टीज ऐसे कहती हैं। अगर हम आंकड़ों का हिसाब देखें तो बीजेपी के लिए राह थोड़ी सी कठिन नजर जरूर आती है, खास करके पारिवारिक दबदबा जो था जेकेएनसी का, नेशनल कांग्रेस का, वो अभी भी वर्चस्व कितना कायम है देखभाल बात होगी। आपकी पार्टी जो है इस बार पहली बार चुनाव लड़ रही है और आपने शायद नेशनल इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में भी अपने कैंडिडेट्स उतारे थे, आप कितने ओपन होंगे एक जीत की स्थिति में बीजेपी या कोई अन्य पार्टी जो की सत्ता में आती है उनके साथ समर्थन के? वैसे देखे तो मेरा चौथा इलेक्शन है। दो इलेक्शन तब हुआ पार्टिसिपेट हमारी पार्टी ने की जब पार्टी चुनाव आयोग के साथ नहीं रजिस्टर्ड हो पाई थी। और डीडीसी के इलेक्शन में हम लोगों ने बहुत अच्छे किए थे, खासकर साउथ कश्मीर से, अनंतनाग से, पुलवामा से, इन सब जगहों से बहुत अच्छे हमारे परिणाम आए थे। अब जब आप पूछ रहे हैं कि अगर हमारी पार्टी या हमारे पार्टी के उम्मीदवार जीतते हैं तो क्या रहेगा, देखिए पार्टी का नाम ही है जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट, तो हम पूरी तरह से समर्पित हैं, कमिटेड हैं अपने राष्ट्र को लेके, भारत की परंपरा, संस्कृति और जीवन मूल्यों को लेके, और इन्हीं के माध्यम से हमने हजारों लोगों को प्रशिक्षित किया है कश्मीर घाटी में जो मेरे साथ चलते हैं, और इन्हीं मुद्दों और इन्हीं भाव से वे आज चुनाव मैदान में खड़े हैं। तो हमारे लिए विकल्प देखने की आवश्यकता नहीं है, हमारे हम जानते हैं हमें क्या करना है। संजय कुमार जी, आपसे फिर मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ जो मैं अभी जीएल रैना साहब से पूछ रहा था। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता हैं, इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि घाटी में ये प्रॉक्सी उम्मीदवार होते हैं, क्या जेके एनपीएफ की प्रॉक्सी में से एक है? और अगर आप बता सके कि आजकल की प्रॉक्सी कौन है घाटी में? देखिए, अगर घाटी में मेरे पार्टी का, जम्मू कश्मीर में मेरे पार्टी का मैनिफेस्टो एंड मिशन स्टेटमेंट एक ही है, कश्मीर को टेररिज्म से, ड्रग्स से एंड करप्शन से फ्री करना, और इन चीजों से जम्मू कश्मीर को फ्री करने में अगर भारतीय जनता पार्टी भी साथ चल रही है और उस बात को लेके मुझे कोई प्रॉक्सी कह रहे हैं तो उसमें मैं आदर के साथ उसको स्वीकार करूंगा, उसमें कहीं कोई पीछे भागने की और ना कहने की कोई बात नहीं है। अब आता है बात जिस पार्टी की चर्चा आप कर रहे हैं, उनको शर्म नहीं आती प्रॉक्सी की बात करने को लेके? आज इतने बड़े पैमाने पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि पिछले 75 वर्षों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाद में बनी पीडीपी ने वहां के आम लोगों को, आम लोग जो राजनीति के माध्यम से जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य में सुधार करना चाहते थे, आगे आना चाहते थे, उनको कभी जगह दिया ही नहीं, जगह नहीं दिया। तो आज 10 साल के बाद चुनाव और आर्टिकल 370 हटने के बाद आज उनको एक मौका मिला है, आज उनके ऊपर कोई भय नहीं है, वे आगे आके चुनाव लड़ रहे हैं। जब इतने बड़े पैमाने पर लोग वहां डेमोक्रेसी को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो क्यों दर्द हो रहा है एनसी और पीडीपी और बाकी लोगों को? यस, जहां तक बात है प्रॉक्सी की, आप उनको प्रॉक्सी नहीं कहें, मैं स्वीकार करता हूं कि हाँ कुछ दलों ने अपने लोगों को जरूर से अन्य जगहों से खड़ा किया है, और लोकतंत्र में चलता है। आप आज आप देखें एनसी और कांग्रेस के बीच गठबंधन है, जम्मू क्षेत्र में देख लें, इवन कश्मीर के कई जगहों पे देख लें, जिन जगहों पे वे लोग साथ नहीं लड़ रहे हैं वहां अपने अपने प्रॉक्सी कैंडिडेट खड़े किए हैं। नहीं, उनका तो ऑलरेडी एक गठबंधन है कश्मीर में, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ एक घोषित गठबंधन है। गठबंधन के बावजूद भी मैं कह रहा हूँ कि कुछ जगहों से होते हैं, मैं माफी चाहता हूँ, मैं बीच में बोल रहा हूँ, गठबंधन के बावजूद भी कई सारे सीटों पे अपने आधिकारिक कैंडिडेट खड़ा करने के बावजूद भी कैंडिडेट खड़े किए।
आप अपने वहाँ आपके जो पर्सन होंगे उनसे पूछिएगा। इस दौर में जो आज के देश में जो मतदान हो रहा है, वहाँ पर कांग्रेस ने 6 उम्मीदवार खड़े किए हैं, कई सारे अन्य सीटों पर उनका जो नेशनल कांग्रेस के साथ समझौता है, कई कुछ सीटों पर जैसा एक सीट किया है तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि दे आर अलाइज, लेकिन आप भाजपा के साथ हैं यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। भाजपा के साथ देखिए, पार्टी के साथ होना ये बात तो मैं आपको नहीं कहूंगा कि मैं किसी पार्टी के साथ हूं, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि मैं इस राष्ट्र के साथ हूं, राष्ट्र की परंपरा संस्कृति और जीवन मूल्यों के साथ हूं, पिछले 24 वर्षों से जो मैं कार्य कर रहा हूं उसके साथ हूं, और उन कार्यों और उन मिशन में अगर अगर किसी पार्टी का अगर भाजपा का अगर वो मिशन है तो मैं उससे अलग नहीं हूं। चलिए ठीक है, ठीक है। अगर अगर कोई प्रॉक्सी की बात होती, साथ अलग की बात होती, तो हम केवल 4 सीट तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं रहते। चलिए एक बार फिर हम बात करेंगे, श्रीनगर में हमारे संवाददाता इस बार के पास, इस बार के पास कुछ ताजा तरीन अपडेट्स होंगे और ऐसा लग रहा है इस बार व्हाट्स द करंट अपडेट। सर आई थिंक यू आर ऑन म्यूट। Yes. Yeah. Can you hear me now? Can you hear me now? Can you hear me now? आपको मेरी आवाज आ रही है? राइट, चलिए हम लोग वापस आते हैं। प्रणय साहब, मैं आपसे एक सवाल लेना चाहता हूँ। हम लोग अक्सर प्रिंस ऑफ चेंज की बात करते हैं, केशव हमने एक बॉयकॉट पॉलिसी जो है रैना साहब, खास करके श्रीनगर के पॉकेट में नजर आती है, इसका अक्सर फायदा भी उठाया है बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने, कैसे नजर आता है? इसकी संख्या आपको गिरती हुई नजर आ रही है इस बार, या कहीं ना कहीं इसका एक साइजेबल इम्पैक्ट नजर आ रहा है? वो तो यूनिवर्सिटी का बेनिफिट, ये जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम पार्टीज जो अपने को कहती है, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये बायकॉट को इंजीनियरिंग करवा रही थी, ये इन्हीं का करा दरा है। आप देख लीजिए ना, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो 2017 का चुनाव बाई इलेक्शन का जीते पार्लियामेंट का, 80,000 वोटों से 12-14 लाख की वोटों में से 80,000 वोट लेकर आप एमपी बनते हैं, अनंतनाग में 35,000 वोट लेकर आप एमपी बनते हैं। ये जो उन्होंने सिलसिला किया, भारतीय जनता पार्टी ने जो ट्रांसफॉर्मेशन लाई, वो सबसे बड़ी बात ये है कि आपको अधिकार दिया और लोगों का मन से डर निकाल कर उनको कहा कि यू ऑल्सो कैन रिप्रेजेंट यूर सेल्फ, यूर कंस्टिट्यूएंसी, यूर पीपुल। ये जो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि डिनाई किया था नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लगातार। ये आप देख लीजिए यहाँ पर जो जिसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा गया, 75 के 75 अनअपोज्ड लाए गए, ऐसा किसी अपोनेंट का फॉर्म तक एक्सेप्ट नहीं किया। 67 तक यहाँ पर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं करवाता था, और नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रॉमिस कर रही है अपने मैनिफेस्टो में उसी दौर को दोबारा लाने के लिए। लोग उनकी उस बात को समझकर उनको, आप समझ लीजिए, आई एम रिपीटिंग दिस, दे हैव टू बेग फॉर एवरी वोट व्हिच नेवर हैपेंड इन द पास्ट। दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन। आज वो 10-11 बजे भी वोट रूम के घर जाते थे, पहले कभी नहीं गए, पहले तो वो बस सिर्फ अपील इशू किया करते थे। इस ट्रांसफॉर्मेशन को कश्मीर की मेजॉरिटी, जम्मू की मेजॉरिटी एक्सेप्ट करती है। मैं एक छोटा सा इंटरवेंशन इस कॉन्सेप्ट करना चाहता था, जो फ्रेंडली कॉन्सेप्ट आपने कहे, आप फ्रेंडली कॉन्सेप्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को तो भूल जाइए। कांग्रेस के अध्यक्ष आते हैं मल्लिका अर्जुन खड़गे जी, वर्किंग प्रेसिडेंट की कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं जाते हैं। अंदर खाने क्या क्या चलते हैं, ताराचंद जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं गए, जबकि वो भी एक एससी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं।
आप विकार रसूल वानी साहब की लैंग्वेज और उमर अब्दुल्ला की आपस में तू-तू मैं-मैं देख लीजिए, वो लैंग्वेज फ्रेंडली कॉन्टेस्ट की नहीं होती है, वो तो जानी दुश्मन भी नहीं इस ढंग से लैंग्वेज बोलते हैं पॉलिटिकल पॉलिटिक्स में। तो इसलिए वो जो ये ड्रामा कर रहे हैं लोगों को वर्गलाने की है कि ये कि दे विल रिजेक्टेड, दे विल बी रिजेक्टेड, 8th अक्टूबर विल रिवील देयर रियल स्ट्रेंथ, जैसे लोकसभा में हुई, उनके जो दो एमपीज जीते वो उनके कास्ट बैकग्राउंड के, उनके जो कम्युनल कम्युनिटी के बैकग्राउंड के कारण जीते हैं, न कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारण। रैना साहब हमारे साथ संजय कुमार जी के जुड़े हुए हैं और आइडियोलॉजिकली लग रहा है करीब हैं और अभी है कि जो कि राज्य के विकास के लिए जो राष्ट्रवाद के लिए साथ देना चाहेगी उनके साथ जाएंगे और राष्ट्रवाद पे तो आपका ऑलरेडी पेटेंटेड राइट्स है। बहरहाल मेरा सवाल यह है, संजय जी कह रहे थे कि वो राज्य में ड्रग्स की समस्या था, डिटेंस की समस्या था, आत्मा था। तो पिछले 5 सालों से अधिक समय से शासन है, गवर्नर का रूप है, लेकिन क्या ये समस्याएं की समस्या पर आपका आया है अभी तक? इसलिए उनके साथ जो भी लोग राष्ट्र को प्रेम करते हैं मुझे लगता नहीं कि उसमें कोई दिक्कत होगी कभी भी। एक तो ये इशू, ये जो ड्रग मैनेस और ये जो बाकी की समस्या है, अगर आप देखेंगे जो हमारा चाहे गृह मंत्री जी हो या जब बजट ये हुआ तो उसमें इस वॉर अगेंस्ट ड्रग, ये जो साइकोटेररिज्म इज जस्ट नॉट ड्रग्स, ये टेररिज्म के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए ड्रग पेडलर्स को डेथ पेनल्टी तक ले जाने की बात भारतीय जनता पार्टी कहती है। और मैं आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई उम्मीदवारों का नाम ले सकता हूं जो ड्रग पेडलर्स, जो बदनाम ड्रग पेडलर्स हैं, उनके घर जाते हैं जब वो रिलीज कर हुए और उनका स्वागत करते हैं क्योंकि उन्होंने उनको जमानत मिली। 370 हटाने का तो यही उद्देश्य था कि इन सारी समस्याओं पर काबू पाया जाएगा, क्या यह समस्या इतनी बड़ी है कि आप उसको नियंत्रण नहीं कर सकते? और अगर आप उन समस्याओं पर नियंत्रण नहीं कर सके तो जम्मू कश्मीर के लोग एक बार फिर से आप पर भरोसा क्यों दिखा? नहीं, नियंत्रण नहीं कर सके ऐसा नहीं है, उनको हैंडल करें, बट ये इतना मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट है, इसमें अगर सिर्फ ये लोकल इशू होता तो बात आती है, ट्रांसनेशनल। फैक्टर्स हैं दैट आर एट प्ले एज ऑफ नाउ और उनको ध्यान में रखते हुए हम ये बहुत आसान नहीं होगा केशव टू पुट योर फिंगर ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक क्वालिटी और द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और व्हाटएवर यू मे कॉल इट, ऑल ऑफ देम हैव कम टू पार्टी टुगेदर एंड दैट्स व्हाई दिस डेमोक्रेटिक सेटअप इज थ्राइविंग और हैज स्टार्टेड टू थ्राइव इन द प्लेन। इज़ार प्लीज you can unmute yourself and thank you so much for joining us. ये देख सकते हैं आप ये श्रीनगर के डाउनटाउन में रैनावाड़ी इलाके में ये जो पोलिंग बूथ है, लोग एक के बाद धीरे धीरे शुरू हो रहे हैं लोग आना यहाँ पोलिंग बूथ पे। और आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं दीज आर मोर देन सड़क बिजली और पानी से ज़्यादा के लिए है। यहाँ पर कश्मीर में लोग ड्रग अब्यूज के खिलाफ ये एक वोट है, ये एक वोट स्टेटहुड के लिए है और काफ़ी आशा है लोगों को कि शायद उनका वोट यहाँ पर एक ऐसी तब्दीली लाए जिससे ये जगह फिर से एक स्वर्ग बने। श्रीनगर में ऐसी कई जो पोलिंग बूथ है वहाँ पर लोगों की लंबी कतारें हैं। अभी तो हम फिलहाल इसी पोर्ट में हैं, इसके बाद हम दूसरे डाउनटाउन के बूथ में भी जाएंगे और आपको वहाँ से लाइव दिखाएंगे, लाइव दृश्य दिखाएंगे कि कैसे लोग खुशी खुशी पोलिंग सेंटर्स में आ रहे हैं और वोट अपना कास्ट कर रहे हैं। म्यूट कर।
सर कुछ फर्स्ट टाइमर्स वोटर्स से आपकी बात हुई है, पहली बार जो वोट करने जा रहे हैं ऐसे मतदाताओं से आपकी बात हुई है, युवाओं में क्या प्रश्न है, वो किस तरह का बदलाव चाहते हैं, उनका वोटिंग को लेकर डेमोक्रेसी को लेकर क्या ख्याल है? युवाओं से खासतौर पर जब हमने फर्स्ट टाइम वोटर से बात की, उनके लिए कुछ ग्रेव इश्यूज हैं, ड्रग अब्यूज इज वन ऑफ देम एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज वन ऑफ देम। तो ये यहाँ के युवाओं का जो खासतौर पर ये फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी की काफ़ी मार है जम्मू कश्मीर में, और यहाँ पर क्योंकि बड़ी इंडस्ट्रीज भी नहीं है, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट भी उतनी नहीं है, वो चाहते हैं कि आने वाली सरकार एटलीस्ट युवाओं के लिए वो कदम उठाए कि उनको रोजगार के ये एवेन्यूज मिले। और अगेन ड्रग एब्यूज़ यहाँ के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा बर्निंग इशू है। पिछले दिनों जो रिपोर्ट्स आए हुए हैं उसके मुताबिक श्रीनगर में या पूरे जम्मू कश्मीर में, अगर कश्मीर वैली की बात की जाए, तो करीब करीब 1.5 लाख ड्रग एडिक्ट्स हैं और यंग, एंड ईच वन ऑफ देम स्पेंड्स लाइक 70 to 80,000 रुपीज एवरी मंथ इन बाइंग ड्रग्स। इट्स वन ऑफ द मेजर एंड बर्निंग इश्यूज इन कश्मीर, एंड फॉर दिस द फर्स्ट टाइम वोटर्स वांट अ चेंज बाय चूजिंग अ रिप्रेजेंटेटिव हु कैन एटलीस्ट ब्रिंग देम और ट्राई देम to bring employment avenues and fight a decisive war against drug abuse. Pankaj. Sir, इस चुनावी हलाबलू में मैं कहूंगा कि ये मुद्दे कहीं घूम सकते हैं। आप जम्मू कश्मीर राजनीति के क्षेत्र पर एक नई पार्टी के तौर पर उभरे हैं, 4 साल से आपने वहां पर राजनीति भी देखी है, इससे पहले भी आपने वहां पर चुनाव लड़ा है, इस पर्टिकुलर मुद्दे पर क्या रुख रखती है आपकी पार्टी ड्रग्स? देखिए, मेरी पार्टी एकमात्र पार्टी है जम्मू कश्मीर में जिसने 2 वर्ष पूर्व मेरे नेतृत्व में पूरे जम्मू कश्मीर का ड्रग के खिलाफ पदयात्रा किया। अगर उन पदयात्रा की तस्वीर और वीडियो क्लिपिंग देखेंगे तो हजारों की संख्या में स्त्री पुरुष उस पदयात्रा में शामिल हुए। तो लोगों को लग रहा है कि चलो टेररिज्म समाप्त हो गया, या आर्टिकल 370 नहीं हटने से पहले जो एक पॉलिटिकल टेररिज्म था वो भी करीब के उसका युग भी समाप्त हो गया, लेकिन इन सबके कारण एक बहुत बड़ी महामारी का सामना जो जम्मू कश्मीर और खासकर कश्मीर के लोगों को करना पड़ रहा है उसका समाधान उनको नहीं मिल रहा है। शासन प्रशासन के स्तर पर जो बातें होंगी वो होंगी और हो रही है, प्रभावी तरीके से हो रही है आज, लेकिन एक अवेयरनेस, एक जागृति लानी बहुत आवश्यक थी। इसलिए मेरी पार्टी ने ड्रग के खिलाफ एक पदयात्रा की, लोगों को जोड़ा, और एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी होगा मैं कह सकता हूं पूरे देश में जिसके दफ्तर में डेडिकेटेड ड्रग डी एडिक्शन का केंद्र है, जहां एवरेज 15 से 20 फैमिलीज विजिट करते हैं ड्रग्स से मुक्त करने के लिए, ड्रग्स से कैसे फ्री करें अपने बच्चे और अपने परिवार और बाकी लोगों को। जी जी श्रीनगर लाल चौक पे चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी।